मरकटासन का पहला अभ्यास घुटने पंजे पास में, दाई तरफ पैर, बाई तरफ गर्दन। अब कमर के लिए अभ्यास बता रहे हैं आपको, छह अभ्यास कमर के लिए, फिर पांच छह अभ्यास सब के लिए बताएंगे। ऐसे कीजिए सब। तो ये मूल सिद्धांत कि आप प्रकृति को अवसर दीजिए, अवकाश दीजिए, यहां उपवास से, उपासना से और पंचमहाभूत चिकित्सा से, पंचमहाकोशों की चिकित्सा से और पांच प्रकार की जो ये चिकित्सा पद्धतियां हैं, यहां पर योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा है और इसके साथ साथ ये मर्म चिकित्सा, जिसको एक्यूप्रेशर भी कहने लगे हैं अब, ये मर्म चिकित्सा, पांच तो मुख्य चिकित्सा पद्धतियां हैं और इन पांचों तत्वों को एक तत्व में कहें तो ये पूरी सनातन आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति, प्राकृतिक जीवन पद्धति, नैसर्गिक जीवन पद्धति मरकटासन का पहला और फिर दूसरा अभ्यास घुटने पंजों में फासला। ऐसे ऐसे मरकटासन के तीन अभ्यास हैं, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। तो अब अगली बात जो बहुत गहराई से कह रहा हूं, ऐसे जितना जिससे बन पाए मरकटासन, एक पैर दूसरे हाथ के पास लेके जाते, कोशिश करते हैं दोनों पैरों के घुटने सीधे रहे और एक स्थिति में एक आसन एक मिनट से लेकर के पांच मिनट तक करने पर पूरा फलीभूत होता है, तब उसका पूरा रिजल्ट आता है। नहीं तो वो एक उपचार, देखो एक होता है कर्मकांड, एक औपचारिकता होती है, एक होता अनुष्ठान। चलो अब कमर के ये रिलैक्स भी हो गए, थकान भी उतर जाएगी, अर्ध पवन मुक्त आसन कर लो जिनको कमर में दर्द है। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जिनको डायबिटीज है उनको तो पांच मिनट करना है, पांच से दस मिनट। आज से 27 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिला गुजरात में, रामजी भाई नाम था उनका, अभी भी बीच में एक बार कहीं भेंट हुई थी, अभी स्मरण नहीं आ रहा, तो उनके शायद बच्चे मिले थे मेरे से, बोले स्वामी जी हम उन्हीं के बालक हैं, यहीं शायद योगा ग्राम में या योगपीठ में कहीं आए। तो वो एक एक आसन को तीन तीन घंटा करवाते थे। एक आसन कितनी देर? अरे जोर से तो बोलो, तुमसे कौन सा करवा रहा हूं, तीन घंटा। बोले स्वामी जी हम तो इसीलिए डरते हैं कहीं आप हमको ही ना लटका दो। तुम डरो मत, पवन मुक्तासन आधा, तो इसका नाम हो गया अर्ध पवन मुक्तासन। अब जिनको ज्यादा ही कमर में दर्द है तो एक पाद उत्तानासन भी कराते हैं ऐसे, और कटियुत्तानासन भी कराते हैं ऐसे, कमर को ऊपर उठा देते हैं, नीचे दबा देते हैं, जिनसे हो पाए उनसे ये करवाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में। अब उल्टे लेट जाओ, चलो उल्टे लेटो, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर पीछे मिले हुए, अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, थोड़ी जमीन पर ऐसे आराम से एक स्थिति में ठहरते हैं। अब 20 सेकंड से शुरू कीजिए आप, जिनको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है तो 10 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, 10 सेकंड से प्रारंभ करके ऐसे पांच पांच मिनट तक करना है एक आसन, विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट। अयंगर जी ने इस संदर्भ में काफी कार्य किया, आसनों के संदर्भ में, प्राणायाम के संदर्भ में तो ज्यादा नहीं किया उन्होंने, मुझे इसलिए कहना पड़ता है। दूसरा अभ्यास दोनों हथौड़ी के नीचे, किसी किसी एक एक व्यक्ति ने, एक एक महापुरुष ने एक एक संदर्भ में विशेष कार्य किए हुए, तो
तो वो एक एक आसन को थेरापेटिक उसका यूज करके और सही तरीके से राइट मेथड के साथ एक एक आसन को 5 से 10 मिनट करने से असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं। अब हमने यहां स्पाइनल कोड का जो सबसे बड़ा रोग है इस समय वो है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, और इस स्पाइनल कोड से रिलेटेड दूसरी बीमारियां हैं। मेरुदंड से संबद्ध दूसरे जो रोग हैं जिसमें वात का भी प्रकोप हो जाता है और रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड की सहज जो उसकी गतिविधियां हैं वो बाधित हो जाती हैं, तो ये पार्किंसंस, ये ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, अटैक्सिया। भुजंगासन, अब सलभासन कीजिए। और जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज है, दोषों की दृष्टि से वात दोष और शरीर विज्ञान की दृष्टि से सेंट्रल पैराफेरल नर्वस सिस्टम के एक एक पैर से आराम से हो जाता है, दोनों पैरों से थोड़ा असुविधाजनक होता है तो एक एक पैर से ही कर ले। ये सर्वासन, दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रखती है, ऐसे कर लेते हैं ये सर्वासन के। अब आराम से सहज अभ्यास करा रहे, और जिनसे बन पाए तो धनुरासन भी कर लिया। तो मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। जब अब धनुरासन सबसे बन ना पाएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बाएं करवट लेकर के बैठ जाए और उष्ट्रासन कर लेंगे थोड़ा सा। आसनों के बाद बीच बीच में विश्राम दिया जाता है, ये भी योग का मुख्य सिद्धांत है, श्रम और विश्राम का। अब इसमें भी दो सिद्धांत है, विश्राम पूर्वक श्रम करना, ऐसे अभ्यास करो कि करते हुए तुम थको नहीं, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ करना, निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निष्कामता के साथ, अकर्तापन के साथ सब कर्म करना, ये उष्ट्रासन। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो ये अर्धोष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, ये इतना अक्सर सब कर लेते।